इक्विलिब्रियम क्या है इसको ध्यान से देखते हैं। देखो इक्विलिब्रियम जो है वो इक्विलिब्रियम का मतलब कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, उसको इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो अगर एक बॉडी रेस्ट पे पड़ी है या नहीं पड़ी पर नेट फोर्स जीरो है तो समझो वो इक्विलिब्रियम में है। तो पहली कंडीशन क्लियर है, नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? जीरो। तो अगर ये पेन है इसके ऊपर राइट की तरफ फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, लेफ्ट की तरफ 10 न्यूटन, तो पेन ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। हम क्या बोलेंगे किसमें है? इन इक्विलिब्रियम, राइट। अब इक्विलिब्रियम तीन टाइप्स है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रॉड है, ठीक, ये रॉड है और ये एक और रॉड है, ये यहां से बंधी हुई है एंड इज फ्री टू मूव, ये घूम सकती है हर पॉइंट पे, इसके अबाउट मूवेबल है, राइट, ये हिंज्ड है यहां पे, मूवेबल है, ठीक। तो जब मैं इस रॉड को या इस अरेंजमेंट को यहां लेके आता हूं और छोड़ देता हूं, अल्टीमेटली ये स्टॉप कहां करेगी? यहीं पे करेगी, यहीं आना पसंद करेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी से खींच लेगी और ये यहां पर रेस्ट पे आ ही जाएगी। कोई डाउट इसमें? फोटो फ्रेम है, टंगा हुआ है, हिलाते हो तो घूम के वहीं पे आ जाता है रेस्ट पे। इस पॉइंट पर इसके ऊपर नेट फोर्स क्या एक्ट हो रही है? जीरो। अगर हो रही होती तो फिर ऊपर नीचे मूव भी कर रहा होता अगर इस पे नेट फोर्स जीरो ना होती, पर क्योंकि ये बिल्कुल रेस्ट पे आ चुका है तो नेट फोर्स इज जीरो। तो ये किसमें आ गया? इन इक्विलिब्रियम। कोई डाउट इसमें? इक्विलिब्रियम यही बोलते हैं ना कि नेट फोर्स इसके ऊपर क्या आ गई? जीरो, और ये किस पे पड़ा हुआ है? एट रेस्ट। कोई डाउट इसमें? ठीक है। एक स्टूडेंट आया, वो कहता सर देखो मैं एक और चीज करके दिखाता हूं। मैंने कहा क्या? कह रहे देखो मैं ना इसको उठा के अरेंजमेंट को यहां से बना हुआ है ना, मैं ऊपर ले जाता हूं, ये मैं ऊपर ले गया और लेट अस सपोज ऊपर जाके मैं इसको इस तरीके से टिका देता हूं, आपने इसको ऐसे रखा था ना, मैं इसको ऐसे ले जाता हूं, बस आप इसे हिलाना ना, हवा भी मत लगने देना, बिल्कुल नेट फोर्स जीरो। यही खड़ गया ये फॉर एन इंस्टेंट, यहां खड़ गया, देखो उसने खड़ा दिया जैसे है वैसे ही दिख रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको हिला भी दिया बस फिर समझो ये नीचे आ जाएगा और ऐसे आ जाएगा। हाँ, एक इंस्टेंट पे तो यहां टिक सकता है ये। तो उसने कहा देखो रेस्ट पे है ना, मैंने कहा रेस्ट पे। तो कहता देखो ये भी क्या है? इक्विलिब्रियम है। मैंने कहा मुझे मानना पड़ा, बिल्कुल सही है, ये भी तो इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम के अंदर क्या हो रहा है? नेट फोर्स इसके ऊपर भी जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मूवेबल नहीं है ना, अगर नेट फोर्स होती फिर कहीं ना कहीं तो मूव करता ही, तो इसमें तो रेस्ट पे नजर आ रहा है, तो ये भी इक्विलिब्रियम है और ये भी इक्विलिब्रियम है। दोनों में फर्क क्या है? पहला फर्क कि अगर मैंने इसे हिला दिया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा, ठीक, लेकिन अगर मैंने इसको हिला दिया तो ये इस पोजीशन पे वापस कभी नहीं आएगा, ये इस पोजीशन पे वापस आएगा, नीचे आ जाएगा, राइट। जबकि इक्विलिब्रियम नीचे वाला भी है, इक्विलिब्रियम ऊपर वाला भी है। नीचे वाला इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जब नेट फोर्स तो जीरो है पर अगर आप बॉडी को हिलाते हो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ही आ जाएगा। और ये वाला इक्विलिब्रियम कौन सा है? अनस्टेबल, कि जिसके अंदर आप अगर इसे हिलाते हो तो ये यहां कभी नहीं आएगा, ये कौन सी पोजीशन में चला जाएगा? स्टेबल। कोई डाउट इसमें? पहला पॉइंट क्लियर है। एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का एग्जांपल देखो, ये एक सिलेंडर पड़ा था इस सड़क के ऊपर, प्लेन के ऊपर, ठीक है, मैंने सिलेंडर को ना हिला दिया, देखो इधर, तो सिलेंडर कहता ठीक है मैं यहां चल पड़ता हूं, मैं यहां रेस्ट पे आ जाऊंगा, मैंने यहां हिला दिया, वो कहता कोई बात नहीं मैं यहां पे आ जाऊंगा, तुम जहां रखोगे मैं वहां चला जाऊंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां रखोगे तो भी ठीक है, ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं उधर जाऊंगा। तो यानी कि अगर कोई बॉडी ग्राउंड पे पड़ी हुई है और आप उसको हिला के अलग नई पोजीशन पे रख देते हो, वो फिर अपना एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाती है, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जिसमें कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। कैसे? जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम को जब आप हिलाते हो, हिला दिया इस बॉडी को हिला दिया, तो बॉडी नीचे ही आएगी। नीचे आने का मतलब अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या रखने की कोशिश करेगी? मिनिमम, कम से कम, क्योंकि बॉडी जितना नीचे आएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और जब अनस्टेबल होगा,
अनस्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रखने की कोशिश करेगी, मैक्सिमम मैक्सिमम। आपने सुना होगा केमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल पे आता है क्योंकि वो अपनी एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश करता है और स्टेबल हो जाता है। नेचर का लॉ है, अपनी एनर्जी मिनिमम करेगा, नीचे उतरेगा तो फिर स्टेबल है। यही सेम रूल है, कोई डाउट इसमें? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने के लिए अपनी एनर्जी को क्या करेगा, मिनिमम। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? हम बंदे को कहते हैं कि यार आराम से बैठ जा, जमीन पे बैठ जा, आराम से रिलैक्स होके बैठ। भाई तू अपनी, फिजिक्स वाले लोग कैसे बोलेंगे, तू अपनी पोटेंशियल एनर्जी को पहले मिनिमम कर ले, ग्राउंड पे बैठ जा, क्योंकि खड़ा होगा या अगर तू कहीं भी भागेगा या अपने आप को पोजीशन ऊपर करेगा तो तेरा सेंटर ऑफ मास ऊपर उठ जाएगा, जिससे कि तेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। वो तेरा इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम का मतलब जब तू बैठ जाएगा तो अपनी एनर्जी को क्या कर, मिनिमम कर। पॉइंट है, एनर्जी मिनिमम होगी तो आप स्टेबल में आ जाओगे, आराम से इक्विलिब्रियम में बैठोगे। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ये तो थी थ्योरी की बात। तीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ये तो है थ्योरी की बात। अब इस थ्योरी को ऐसे लिखा नहीं जाता यार, लिख तो, ये बड़ी प्रॉब्लम है फिजिक्स में, लिखने वाले जो है ना उन्होंने बहुत मैथमेटिकल टूल्स यूज किए हुए हैं। अब इसी बात को लिखने वाले कैसे समझाते हैं वो समझते हैं, और फिर तीसरा फेज है न्यूमेरिकल में कैसे आता है, न्यूमेरिकल बिल्कुल ही हटके आता है, दिखाता हूं कैसे। लेकिन चीजें लिंक्ड है। देखो मैं बताता हूं कैसे। इस बात को समझाने का तरीका, तीन तरीके के इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ये तो लैंग्वेज समझ में आती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, नेट फोर्स जीरो, समझ में आता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, नेट फोर्स जीरो है, समझ में आने लग गया। अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, फोर्स जीरो है, ये भी समझ में आता है। देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें समझ में आती हैं कि कैसे लिखी जाती हैं। और मेरे को लगता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही चीजें अपने आप माइंड में बैठ जाती हैं। अब मैथमेटिकल, अब मैथ्स वाले कैलकुलस लेके आते हैं, इस चीज को कैसे समझाते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो ये कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, लेकिन कंजर्वेटिव सिस्टम में फोर्स क्या होती है, माइनस डीयू बाई डीएक्स। तो ये जीरो है तो डीयू बाई डीएक्स क्या है, जीरो है। मैथमेटिकली फोर्स को, उसने फोर्स को जीरो ही पुट किया, वो अलग बात है कि फोर्स क्या होता है, माइनस डीयू बाई डीएक्स, तो माइनस डीयू बाई डीएक्स जीरो है, ठीक है, समझ में आता है। और यू क्या है, मिनिमम। अगर आपको थोड़ा सा भी लेक्चर याद हो पिछले या उसके पिछले महीने का, मैक्सिमम मिनिमा करके एक टर्म आई थी, एक लेक्चर हुआ था उसपे डबल डेरिवेटिव के बारे में बताया था। हालांकि मैंने मेडिकल वालों को कहा था कि आता नहीं है, आज भी यही कहूंगा कि डबल डेरिवेटिव आपको आता नहीं है। नॉन मेडिकल में तो आता है क्योंकि मैथ्स के टीचर करवाएंगे। तो डबल डेरिवेटिव से हम चेक कर सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अगर एनर्जी को दो बार डिफरेंशिएट किया और अगर वो टर्म क्या आती है, पॉजिटिव, तो समझो एनर्जी क्या हुई, मिनिमा। एनर्जी का क्या आया, मिनिमा। याद करो, असाइनमेंट ओपन कर लेना मैक्सिमम मिनिमा की, उसमें भी ये लिखवाया था कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है यू का तो यू क्या आएगा, मिनिमम, और अगर डबल डेरिवेटिव क्या आता है, नेगेटिव, तो यू क्या आएगा, मैक्सिमम। तो मैथ्स ये बोलता है कि एफ को जीरो पुट कर सकते हो स्टेबल में, अनस्टेबल में भी एफ को जीरो पुट कर। तो पहली कंडीशन तो वही है, पर डिफरेंशिएट कैसे होगा मैथमेटिकली, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो एनर्जी मिनिमम है, अगर नेगेटिव है तो एनर्जी मैक्सिमम है। ये याद रखना है, कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा दो मिनट में। और न्यूट्रल के अंदर भी फोर्स को जीरो करना है, लेकिन डबल डेरिवेटिव नहीं, पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, डबल डेरिवेटिव क्या आएगी, जीरो। ये तीन फॉर्मूलाज लगा लो आप, ये तीन फॉर्मूलाज हैं, जिनको मैक्सिमम मिनिमा याद है उनको ये समझ में आ रहा होगा डबल डेरिवेटिव इसको कैसे लिखते हैं। मेडिकल में डबल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ती, कहां कहां मेडिकल के क्वेश्चंस आएंगे, नॉन मेडिकल तो सारी करेंगे, मेडिकल के लिए मैं मार्क कर दूंगा कि जो आपको नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन कैसे आएगा, ये आएगा मेडिकल वालों को भी, अगर फोर्स की वैल्यू 3x² - 2x गिवन है, क्या गिवन है, फोर्स, आपको क्या निकालना है, एक्स, जब बॉडी किसमें होगी, इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलो, फोर्स शुड बी, उठा के इसको जीरो पुट कर दो, जीरो कर दिया, एक्स निकाल दिया, एक्स की 2/3,
वैल्यू के ऊपर फोर्स क्या आएगी, जीरो, यानी कि इस पोजीशन पर बॉडी किस में होगी, इन इक्विलिब्रियम। कोई डाउट इसमें या तक कोई दिक्कत? देखो थ्योरी अलग है और न्यूमेरिकल देखो एकदम सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर u की वैल्यू x के साथ ऐसे चेंज हो रही है 3x2 - 2x, आपको क्या निकालना है, फोर्स। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको इसमें f निकालना है तो हमें अब तो हमें लास्ट लेक्चर से प्रैक्टिस हो ही चुकी है, f और u का रिलेशन बोलो, f इज इक्वल टू माइनस du बाय डी एक्स एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मैंने थोड़ा सा गलत किया, यहां माइनस लगाओ यहां प्लस लगाओ, मैं माइनस लगाना डिफ्रेंशिएट तो कर दिया पर माइनस को नहीं ले पाया, जबकि माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है तो लगाओ माइनस सिक्स एक्स प्लस टू, माइनस सिक्स एक्स प्लस टू, माइनस सिक्स एक्स प्लस टू। ठीक है, तो मेडिकल वालों को यहां तक तो आएगा ही, तो वो फोर्स पूछेगा, फोर्स तो आप निकाल ही लोगे। फिर मेडिकल नॉन मेडिकल में दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अब फोर यू दे रहा है, फोर्स पूछ लिया, यू देके पूछ सकता है एक्स की वैल्यू बताओ जब इक्विलिब्रियम आ गया, तो यू से सबसे पहले क्या निकलेगा, एफ, फिर आप एफ को क्या करोगे इक्विलिब्रियम के लिए, जीरो, तो माइनस सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यहां भी करेक्शन माइनस सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, वो अलग बात है कि आंसर एग्जैक्टली फिर भी सेम आएगा, तो 1/3, तो एक्स इज इक्वल टू 1/3 पे इक्विलिब्रियम पोजिशन आएगी, एक्स इज इक्वल टू 1/3 आंसर है। तो यहां तक तो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में ही आ सकता है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, क्लियर? आगे अब ये नॉन मेडिकल का क्वेश्चन है, मेडिकल वालों को नहीं आएगा, चेक करो जब x इज इक्वल टू 1/3 है तो इक्विलिब्रियम के का स्टेटस क्या है, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल। अब देखो नॉन मेडिकल वाले क्या करेंगे, u को लिखेंगे, u लिख लिया, अब कोई f नहीं निकलेगा, कुछ नहीं, u को एक बार x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डेरिवेटिव आएगा u का, याद है कैलकुलस करते थे डी टू यू, भूल तो नहीं गए, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स, एक बार और करेंगे डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स, तो डबल डिफ्रेंशिएशन हो गई, इसको करेंगे तो सिर्फ सिक्स आ जाएगा, सिक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेबल है। नॉन मेडिकल वालों को यहां तक लास्ट मेंस का क्वेश्चन है, इसके बाद की कहानी एडवांस की है, एडवांस ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, एडवांस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आने ही आने हैं वर्क एनर्जी पार्क के ऊपर। तो जब एक्स्ट्रा क्लास लगेगी 15 सितंबर के बाद, मैं आपको पूरी शीट में करके दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एडवांस के अंदर, और तब तक हम तैयार भी हो चुके होंगे, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे एडवांस वाला काम। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, चेक करने के लिए बोला ना मैंने, उसने क्वेश्चन ये पूछा x इज इक्वल टू 1/3 पे चेक करो, जब चेकिंग होती है तो दो बार डिफरेंशिएशन करनी होती है, उसने चेक करने को कहा ही नहीं, उसने कहा कि x निकालो बस, इक्वल f को जीरो करना है बस, ऐसे नहीं याद करना ना, एक बार किया या दो बार किया, f निकल गया इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, f को जीरो किया अपने आप x आ जाएगा, ऐसे नहीं याद करना, वो तो इसलिए किया था क्योंकि वो u दे रहा था और हमें f निकालना था, तो फॉर्मूला था f इज माइनस du बाई dx, वो एक बार आता है, तो जब याद, जब रिवाइज करोगे अपने आप याद हो जाएगा, रिवीजन करोगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो यार बड़ा सिंपल सा रूल बता देता हूं, कितनी शीट दे दूंगा वर्क पर एनर्जी की, ये कितनी है 20 होंगी, 30 और आ गई 50 हो गई, 2 साल है 50 शीट्स हैं, एक बार अभी हो जाएगी टेस्ट की तैयारी, एक बार फिर हो जाएगी, फिर दिसंबर में फिर हो जाएगी, फाइनल से पहले भी हो जाएगी, प्लस टू के अंदर भी हो जाएगी, मेंस या नीट से फिर हो जाएगी, यार 50 शीटों को 50 बार घिसा दोगे रिवाइज कर करके, उसमें से एक क्वेश्चन तो ठीक कर ही आओगे, अब 50 बार करोगे, बार बार देखी जाओगे देखी जाओगे, तो लगता नहीं कि छपी जाएगी उसके बाद, तो बस यही टेक्निक है, पहली बार मुश्किल लगेगी, जब बार 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 टेस्ट होते जाएंगे होती जाएंगे होती जाएंगे होती जाएंगे, और जो सिंसियरली रिवाइज करता भी जाएगा और छोड़े ना, वो तो हो जाएगा पार, जो अब अंदर से गड़बड़ कर देगा और करके नहीं आएगा ऐसे ही बैठ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है, यही पढ़ने और पढ़ाने का ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है। ओके, सो
इसके बाद